बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। नोराम लोली आप देखना शुरू कर चुके हैं बेडगार्ड पीपल्स वॉइस। राजनीति में चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे आपको बता दें कि मीडियम साइज का नेता हो, कैसा भी हो, लेकिन हर एक आदमी के बीच में ये मंशा जरूर रहती है कि मेरा भी प्रमोशन हो, मेरी भी आगे बढ़े, मुझे भी पूछा जाए, मेरी भी ये किया जाए। वो अब अपनी अपनी इच्छाएं उनकी होती है और एक राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसके मन में इच्छाएं का आना बहुत ज़रूरी भी होता है। और आपको बता दें कि अगर इच्छाएं नहीं आती है तो शायद वो परफेक्ट राजनेता है भी नहीं। हर एक नेता जो चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है, तमाम के मन में यही रहता है कि मुझे ये करके इस तरीके से मैं हो सकता हूँ, इस तरीके से मैं इस तरीके से सेट हो सकता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद की एक संगठन था भीम आर्मी, 2017 के आसपास में जो सहारनपुर का मामला हुआ था तब ये संगठन काफ़ी चर्चा में आया था। और उसके बाद आपको बता दें कि इस संगठन को एक तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को छुड़ाने के लिए कर दिल्ली के अंदर बड़े प्रोग्राम किए गए थे जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने लगभग साथ दिया था। और धीरे 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 आपको बता करके चंद्रशेखर बाहर आए, उन्होंने भीम आर्मी को कई क्षेत्रों के अंदर मजबूत किया। चंद्रशेखर के हाव भाव को देखकर और अलग अलग जगहों पर होने वाले एट्रोसिटी पर वो जाकर आपको बता दें कि संगठन को ऐसा दिखाने की कोशिश में कामयाब रहेगी कि संगठन उनका पूरे देश भर में चल रहा है। और आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक मंचों पर भी वो लगातार नजर आते रहे, कई लोग उन्हें बुलाकर जो है अपनी पब्लिसिटी भी करवाते रहे, लेकिन धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद का कारवा बढ़ता गया और चंद्रशेखर आजाद ने कोरोना वायरस COVID-19 काल के अंदर अपनी एक नई पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी कांशीराम। इस पार्टी के बनने के बाद आपको बता दें कि कई सारे लोगों ने उनका उस समय प्रोत्साहन किया, हालांकि जिस समय बनी थी तब भी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया था क्योंकि BSP के ही कुछ टूटे हुए लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े थे जिन्होंने पार्टी बनाने के लिए उन्हें सजेशन दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने जो विधायक बने हुए थे और जो BSP से टूटकर या किसी और पार्टी से टूटकर चंद्रशेखर आजाद के साथ जब 15 मार्च को जब कांशीराम पार्टी बनाई गई थी, आजाद समाज पार्टी, तब जो खड़े थे वो धीरे धीरे करते हुए आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद से कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं। और खास तौर से यह है कि कहीं चंद्रशेखर आजाद से वही किनारा नहीं कर रहे हैं लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद के बहुत करीबी नेताओं में रहते हैं जिनको अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी दी थी, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो यानी जहां से चंद्रशेखर निकले, और तो और जहां सहारनपुर है वहां से भी कुछ युवा साथियों ने हाल ही में BSP ज्वाइन की है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो साथी चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े रहे थे उन्होंने आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का साथ छोड़ दिया। इस साथ छोड़ने के पीछे की वजह क्या है तो आखिर में मैं आपको बताऊं कि राजनीति के अंदर सभी नेताओं की इच्छाएं रहती है और BSP हो या बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो या आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे RJD हो, ऐसी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों के अंदर एक व्यक्ति का ही दबदबा रहता है। जैसे RJD में लालू प्रसाद यादव का है और अखिलेश यादव की पार्टी में अखिलेश यादव का है, मुलायम सिंह यादव का है। तो इस तरीके के जो संगठन बने बहुजन समाज के खास तौर से उनमें एक आदमी का ही दबदबा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि तमाम जो जितने लोग होते हैं उनके मन में अलग अलग इच्छाएं होती है और इस वजह से आपको बता दें कि धीरे धीरे टूटकर निकलना शुरू हो जाते हैं अलग अलग व्यक्ति। आपको बता दें कि अपने अपने चाहत के कारण अलग अलग जो रास्ते हैं वो अपना लेता है और यही चंद्रशेखर आजाद के साथ हाल फिलहाल में हो रहा है। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, अब तक आप चले तो विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।